सड़क पे आ जाए, जब वो ब्राह्मण सड़क पे आ जाए तो समझो दलितों की शोषितों की क्रांति का आगाज होगा और वो क्रांति करेंगे। अभी संविधान को ये क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्यों इसको समाप्त करना चाहते हैं, क्यों इसको जलाते हैं? संविधान में वोट का अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, और उस चीज को खत्म करने के लिए ये लोग मनोव्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहते हैं। इसलिए संविधान हमारा है, हमारा रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसको हटाने वाला, इसको जुड़ने वाला कोई नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि में दीक्षा ली थी और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके साथ ही 10,00,000 लोगों को बौद्ध की दीक्षा दिलाई थी। अगर हम दिल्ली में या पूरी इंडिया में जब जनगणना होगी, अगर हम उसमें 10% भी अपने को बौद्ध शो करेंगे तो इनके जो हिंदुत्व है वो अपना समाप्त हो जाएगा और संविधान खतरा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, संविधान का महत्व रखते हुए, सभी बाबा साहब के अंतिम जो सूत्र है, जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपनाया था नागपुर में, उसको अभी ग्रहण करें और सभी धम्म में दीक्षा लें और बुद्धिस्ट बने, तभी हमारा संविधान अमर होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।